तो गाइस आज सुबह ही हमें स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि मैं काफी दिनों से स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले स्केटिंग प्रैक्टिस शाम को करने जाता था, लेकिन शाम में जब मैं स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए निकलता घर वाले कुछ ना कुछ काम दे देते थे, तो मैंने डिसाइड किया मॉर्निंग को स्केटिंग प्रैक्टिस करने जाने का। सूर्य निकलने से पहले हम निकल जाते हैं स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए और हम पहुंच जाते हैं जहां हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फटाक से स्केट्स पहन के हम एक राउंड वार्म अप के लिए लगा लेते हैं। तब तक सूर्य भी निकल चुका था। वार्म अप के बाद मैं करने लगता हूं रिफ्रेश जो जो मैं सीखा हूं, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस छूट जाने के कारण कोई भी चीज ढंग से हो नहीं रहे थे। लगभग आधे घंटे तक सभी चीजों का अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं आगे गांव में जाने का और वहां से कुछ रिएक्शंस लेने का। और आज मेरे साथ कैमरामैन नहीं है, तो आज मुझे खुद ही कैमरामैन बनना पड़ा। और कुछ ही दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं गांव, और वहां पहुंचते ही हमें रोक लिया जाता है हमारे स्केट्स देखने के लिए। और उन्हें पहली बार देख उनको अजीब लग रहा था, जिसमें से एक अंकल ने पूछ लिया कि क्या ये बैटरी से चलते हैं। तो मैंने उनको सही जानकारी दे के और थोड़ी दूर स्केट चला के एक अंकल का ख्वाहिश पूरा करके वापस हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है तो धूप भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। और गांव वालों को पता ही नहीं होता कि स्केटिंग स्केटिंग क्या होता है, जिससे ये स्केटिंग उनको अजीब लगते हैं और कई सारे अजीबो अजीब सवाल पूछते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो बाय।